हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में एक इंजीनियर की क्या सैलरी होती है। यदि आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है तो फिर आपको क्या सैलरी प्रोवाइड करती है कोई भी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी। दोस्तों, यदि आप जब ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर तो आपको ट्रेनिंग में किस पोस्ट में रखती है, DET में या DAT में। लाइक यदि आप ग्रेजुएट हैं यानी कि BBTEC कर रखे हैं तो GET या GAT में रखती है। कौन सा बेस्ट होता है ट्रेनिंग के लिए, आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए और आपको क्या सैलरी मिलता है जब आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं किसी कंपनी में। आफ्टर ट्रेनिंग आपको किस पोस्ट में रखता है और दोस्तों यहाँ पे आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इंक्रीमेंट कितना देखने को मिलता है आपकी सैलरी में। एक साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको क्या सैलरी देखने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप 100% क्लैरिफाई हो जाओगे और दोस्त आपका सैलरी से रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पे क्या सैलरी प्रोवाइड करती है कोई भी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी। सबसे पहले जान लेते हैं कि DET या DAT डिप्लोमा वालों के लिए बेस्ट कौन सा होता है या फिर GET GAT ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन सा बेस्ट होता है जिन्होंने BBTEC कर रखा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि DET का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और DAT का होता है डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। चाहे दोनों में से आप कोई भी कर लीजिए। यदि आप ट्रेनिंग करते हो कंपनी में तो आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सिखाई जाती है, आपको काम सिखाया जाता है जो भी डिप्लोमा के बंदों को काम आना चाहिए। यदि आप GET या GAT करते हो तो इसी तरह से GET का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप चाहे DET कर लो या DAT कर लो, आपके सैलरी में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट आपको बता दें कि यदि आप DET करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यदि आप टेक्निकल हैं, आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं, तो आपको DET ही ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग यदि आप चाहते हो कि आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिले, आप इंजीनियर की पोस्ट में जाना चाहेंगे, तो दोस्त आप DET ही करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि जो दूसरी कंपनी आप ज्वाइन करोगे, जाओगे जब एक कंपनी को गिवअप करके छोड़ के, तो वहाँ पर देखेगा कंपनी वाला कि आपने क्या कर रखा है। तो आप DET करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा यदि आप टेक्निकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं, ठीक है। दोस्त यदि आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से नहीं हैं, किसी और स्ट्रीम से हैं और आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर रखा है, तो आप DAT भी कर लेंगे कंपनी से, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सैलरी की भी बात हम करेंगे बट पहले आप जान लीजिए कि। तो दोस्त इसी तरह से ग्रेजुएशन वाले बंदों के लिए जिन्होंने BBTEC कर रखा है, जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं, तो उनको GET करना चाहिए ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। यदि आपने BSc BCOM कर रखा है और कंपनी में ट्रेनिंग ले रहे हो तो फिर आप GET भी कर लोगे, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं तो GET ही करें, क्योंकि दोस्त आफ्टर ट्रेनिंग आप इंजीनियर की पोस्ट में ही आपको जो है जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्त कि यदि आप यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो फिर आपको कौन से पोस्ट में रखा जाएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, बहुत सी कंपनियाँ आपको कंफर्मेशन के लिए रखती हैं 6 मंथ के लिए, तो फिर उसके बाद आपको पोस्ट दिया जाता है। अगर आप डिप्लोमा है तो आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट दिया जाता है, अगर आप BBTEC है तो आपको सीनियर इंजीनियर या फिर इंजीनियर की पोस्ट में रखा जाता है। अब दोस्त बात करते हैं कि डिप्लोमा वालों की क्या सैलरी होती है। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 14 से 15 हज़ार सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। कितना प्रोवाइड किया जाता है, 14 से 15 हज़ार, और एक साल के लिए जब आप ट्रेनिंग करते हैं। अब उसके बाद आप एक साल ट्रेनिंग कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 18 हज़ार हो जाता है। और उसके बाद दोस्त यदि आप एक साल की ट्रेनिंग और एक साल एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये आपकी सैलरी आराम से हो जाती है, यदि आप प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करते हो तो। दोस्त यहाँ पर हम PSU की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चलाती, लाइक NTPC, सेल, गैल, वेल, इन कंपनियों की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइवेट, जो जैसे कि SPM ऑटोकॉम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, कपारो प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह की छोटी छोटी कंपनियाँ, या फिर मल्टीनेशनल कंपनियाँ जैसे कि फोर्स हो गई, टाटा हो गई, आइसर हो गई, इस तरह की कंपनियों की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इन कंपनियों को ज्वाइन करते हैं तो आपकी क्या सैलरी होगी, आपको इसके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दोस्तों यदि आप BBTEC कर रखा है तो फिर आपकी ट्रेनिंग में क्या सैलरी होगी, तो आपकी सैलरी होने वाली यहाँ पे 17 से 18 हज़ार रुपये सैलरी रहेगी यदि आपको GET की पोस्ट में रखा जाता है ट्रेनिंग के टाइम में। दोस्त आपको बता दें यदि आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं तो GET ही करें, और GET के बाद ही आपको इंजीनियर की पोस्ट मिलेगी। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, इंजीनियर की पोस्ट में आते हैं, यदि आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं, BBTEC कर रखे हैं, तो आपको GET ही करना चाहिए। इस टाइम आपकी सैलरी होती है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं 17 से 18 हज़ार, उसके बाद दोस्त आपको 25 से 30 हज़ार रहेगा सैलरी एक साल के एक्सपीरियंस बाद। फिर उसके बाद सैलरी जो है दोस्त आपकी 40 से 50 हज़ार भी हो जाता है जब आप 2 से 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाता है तो। लेकिन डिप्लोमा का भी ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, यदि आप डिप्लोमा भी किए हो और आप जॉब कर रहे हो तो आपको BBTEC कर लेना चाहिए पोस्ट के इंक्रीमेंट के लिए। दोस्त आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के साथ साथ पोस्ट की भी इंक्रीमेंट होगी, तो फिर आपकी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जो बंदे BBTEC हैं तो MTEC भी कर सकते हैं, या फिर दोस्त यहाँ पर आप MBA भी कर सकते हो, ताकि आपकी जो है ग्रोथ और भी ज़्यादा हो। लेकिन दोस्तों अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो डिप्लोमा वालों के लिए तो ठीक है, जो बंदे डिप्लोमा कर रहे हैं उन्हें जॉब मिल जा रही है, बहुत आसानी से मिल जा रही है। बट जो बंदे BBTEC कर रखे हैं तो उनको जॉब इतना आसानी से नहीं मिल रही है,
तो यदि आप भी बीटेक हैं तो आप ज़्यादा एमबीए एमटेक करने के चक्कर में ना रहें। अगर आपने बीटेक कर रखा तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स करें, आप स्किल बेस्ड शॉर्ट टर्म कोर्स करें। जैसे कि दोस्त कैड कैम का कोर्स होता है, सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स होता है, कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स करें जो स्किल बेस्ड हो, ताकि आपको जॉब किसी भी कंपनी में बहुत आसानी से मिल जाए। तो आप ज़्यादा एमटेक एमबीए करने के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका भी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय होते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर आपको कोई कंपनी हायर नहीं करेगी और आप बैठ जाओगे एक दो साल खाली, तो फिर जो है दोस्त आपको जॉब मिलेगा नहीं। तो इसीलिए यदि आप चूज ही कर रहे हो कुछ बीटेक करने के लिए, कुछ करना है आपको, तो आप जो है कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिए जो स्किल बेस्ड होते हैं। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।